आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस को लेके। म्यूकर माइकोसिस के बारे में आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। कोशिश यही रहेगी कि आपकी जिज्ञासा थोड़ी कम हो जाए, आपकी परेशानी कम हो जाए, कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि ये प्रॉब्लम कहीं हमें ना हो जाए, कहीं कोई हो गई तो हम क्या करेंगे। इट्स अ वेरी कॉमन कन्फ्यूजन दीज डेज। छोटी से छोटी काली चीज़ अगर आपके रेशे में आ जाए, आपके बलगम में आ जाए, तो उससे लोग डर जा रहे हैं कहीं ये ब्लैक फंगस तो नहीं, कहीं कोई डरने वाली बात तो नहीं है। सो लेट मी टेल यू कि ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस बहुत ही रेयर सिचुएशन है, रेयर बीमारी है जिसके बारे में आज तक आप लोगों ने सुना भी नहीं था, क्योंकि ये आते ही नहीं थे। अब क्यों आ रहे हैं? अब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कोरोना की बीमारी में स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई सारे लोग जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, जो ऑलरेडी अपनी अपनी प्रॉपर केयर नहीं करते, उनके हाई हाई डोज स्टीरोइड के वजह से एक उनकी इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, दो उनकी शुगर अनकंट्रोल हो जा रही है। सो इम्यूनो सप्रेसिव ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड। वो आपके म्यूकर माइकोसिस का ब्रीडिंग ग्राउंड है। अगर वहाँ ब्रीडिंग ग्राउंड भी नहीं मिलता है म्यूकर माइकोसिस को, तो वो नहीं ग्रो करेगा। म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस आपके बॉडी के अंदर ग्रो नहीं कर सकता अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी सिर्फ, अब इसमें सब कई लोगों को डर लगता है जस्ट बिकॉज वो स्टीरॉयड ले रहे हैं या उनके डॉक्टर ने उन्हें स्टीरॉयड लेने के लिए बोला है। प्रॉब्लम ये है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको स्टीरॉयड लेने के लिए बोला है या आप स्टीरॉयड ले रहे हैं, तो उसका एक रीज़न है। कोरोना की बीमारी में जो जान जाती है, ये कोरोना वायरस के वजह से नहीं जाती, ये आपके इम्यून सिस्टम के हाइपर रिस्पॉन्स के वजह से जाती है, जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। इस इम्यून हाइपर रिस्पॉन्स को रोकने के लिए ही स्टीरॉयड सबसे ज़रूरी काम करता है, और अगर आप समय पे स्टीरॉयड नहीं देते हो, तो उस हाइपर रिस्पॉन्स के वजह से 2 गुना, 4 गुना, 12 गुना नुकसान हो जाता है आपकी बॉडी में। सो इसीलिए समय पे, यानी कि 5वें से 7वें दिन पे, जिनकी बीमारी अच्छी खासी है, जिनको सिम्टम्स मौजूद है, उनको स्टीरॉयड देना ज़रूरी है। स्टीरॉयड भी दो तरीके के डोसेज में दिया जाता है। एक इम्यूनो मॉड्यूलेटरी डोज होता है और एक इम्यूनो सप्रेसिव डोज होता है। ज़्यादातर जो आप लोग घर पे गोलियां खाते हैं, वो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी डोज होता है। इम्यूनो मॉड्यूलेटरी मतलब हम इम्यून सिस्टम को ख़त्म नहीं कर रहे, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि भैया इधर ज़्यादा नहीं, उधर ज़्यादा एक्ट करो, सब्र करो, ठीक है। इम्यूनो मॉड्यूलेटरी का मतलब है कि हम पुलिस वालों को गाइड कर रहे हैं कि भाई यहाँ लाठी नहीं, वहाँ पर। आर्मी को बता रहे हैं कि ये पब्लिक नॉर्मल है, इस पे नहीं, वहाँ करो। तो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी डोज से नुकसान नहीं होता, और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी डोज से फंगस भी नहीं होता है। फंगस यानी ब्लैक फंगस। इम्यूनो मॉड्यूलेटरी डोजेज नॉर्मली स्टीरॉयड की जो गोलियाँ आती हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन 8 mg, 16 mg, या इवन 32 mg, दिन भर में आपने ले लिया, आपने 32 mg ले लिया, तो वो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी डोज है, वो इम्यूनो सप्रेसिव डोज नहीं है। इम्यूनो सप्रेसिव डोज के लिए आपको 60 mg, दिन भर में 60 mg या 100 mg लेना ज़रूरी है। 100 mg, ठीक
ठीक है, वो इंजेक्शन से ज़्यादा पॉसिबल होता है जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो 40 mg, 80 mg या 120 mg के आपको सोल्यूमेड्रोल के डोज लगते हैं, या डेक्सामिथासोन 4 या 6 mg का आपको लगता है इंजेक्शन दिन में 2 या 3 बार। तो इतना हैवी डोज जब लगता है तब इम्यूनो सप्रेसिव डोज होता है। उस समय सारे पुलिस वालों को घर भेज दिया गया है, अभी कोई कुछ नहीं करेगा, शांति से बैठ जाओ, वैसा। तो इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए सभी पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स पे ऑलरेडी रख दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स, हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। प्रॉब्लम आती है फंगस से, सो फंगस के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है गैलेक्टोमेनन, गैलेक्टोमेनन टेस्ट। गैलेक्टोमेनन टेस्ट ये बताता है कि आपके सीरम के अंदर, आपके खून में कोई फंगस है कि नहीं। आपके गैलेक्टोमेनन टेस्ट आप करा के देख सकते हैं पेशेंट का, अगर, क्योंकि एंटी फंगल दवा कई प्रकार की आती है और म्यूकर माइकोसिस के अगर वो हो जाता है तो उसमें एक खतरनाक दवा है एम्फोटेरिसिन बी, जो कि आपकी किडनी, आपके लिवर, आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक दवा है। वो फंगस को मारने के लिए एक हानिकारक दवा देनी पड़ती है, तो वो हर पेशेंट को प्रिकॉशनरी नहीं दी जा सकती। एक दवा हानिकारक, दो दवा बहुत महंगी, बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है एम्फोटेरिसिन बी का म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस का। तो इसीलिए ब्लैक फंगस जब तक पुष्टि नहीं होती, गारंटी नहीं होता, 100% पे आपको श्योर नहीं होता, उसका इलाज नहीं कर सकते, उसके लिए अननेसेसरी दवा नहीं दे सकते। आप ब्लड का फंगल कल्चर करा सकते हो, गैलेक्टोमेनन करा सकते हो, यूरिन कल्चर करा सकते हो, आंख, नाक, मुंह, उसमें जहां ज्यादा पाया जाता है ब्लैक फंगस, आंख में, नाक में, उसमें, अगर उसमें आपको लगता है आंख में सूजन आ रही है, ब्लैक पना आ रहा है, यहां पे ब्लैक आ रहा है, नाक से ब्लैक निकल रहा है, मुंह से ब्लैक निकल रहा है, तो आपको ENT, ईयर नोज थ्रोट, या आंख का डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। वो आपका इस पूरे सिस्टम का CT स्कैन करा के देखेंगे, तब कंफर्म करेंगे कि वो ब्लैक फंगस है या नहीं। इवन अगर दिख रहा है ना ब्लैक फंगस है, तब भी एकदम से दवाई नहीं शुरू कर जाती जब तक कंफर्म नहीं हो जाए, क्योंकि सिर्फ दवाई देने से ब्लैक फंगस नहीं ठीक होता है, पहले ब्लैक फंगस कितना फैला हुआ है ये देखना होता है, फिर उस फैले हुए के जितने हिस्से को निकाल सकें उसे ऑपरेशन से निकालना होता है, फिर दवाई काम करती है जो बचा कुचा फंगस है उसके ऊपर। अगर ये करते हैं तो 50% लोग बच पाते हैं, ब्लैक फंगस इतना खतरनाक है। सो ब्लैक फंगस काफ़ी खतरनाक है, जो सबको नहीं होने वाला, सबको नहीं होने वाला, लाखों करोड़ों में लोग कोरोना से पीड़ित हैं और लाखों करोड़ों को नहीं होने वाला, उनमें कुछ हजारों को होगा, कुछ 100-200 लोगों का होगा। तो केसेस जितने ब्लैक फंगस के होंगे, बिकॉज उसकी दवा इतनी महंगी है, इलाज करना मुश्किल है, इसलिए वो नोटिसेबल हो जाते हैं। सो इसीलिए याद रखिए, ब्लैक फंगस से डरिए मत, अपना शुगर कंट्रोल रखिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको स्टेरॉइड दिया है तो स्टेरॉइड प्रॉपर कोर्स कंप्लीट करिए। अगर आप स्टेरॉइड पे हैं, दिन में 3 बार कम से कम अपनी शुगर चेक करिए, शुगर कंट्रोल करिए। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो इंसुलिन पे जाइए, उसके लिए अपने डॉक्टर से बात करिए। और अगर आपको कोई ब्लैक फंगस दिख रहा है तो ENT डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से बात करके उसमें करिए। स्टेरॉइड को अचानक बंद नहीं करना है, अचानक बंद कर देने से आपके स्टेरॉइड विड्रॉवल सिम्टम्स आ जाते हैं, जो और ज़्यादा आपके लिए हानिकारक है। बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी, सोया सोया रहना, बेहोशी जैसी हालत, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो मेडिकल फील्ड का ये जो खेल है इतना सिंपल नहीं है, लगाम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं आप, आपको एक डॉक्टर का सहारा चाहिए। सो प्लीज़ 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 इस ब्लैक फंगस को सीरियसली लीजिए। ऑलराइट, तो शुगर कंट्रोल के लिए शुगर के सारे वीडियोस देखिए। जो लोग घर पे हैं, जिनको अभी कोरोना नहीं हुआ,
वो भी अपना शुगर कंट्रोल करें, बीपी कंट्रोल करें। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड।